तो उधर रायबरेली में ग्रामीणों ने गांव का विकास न होने पर मतदान बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल गांव में मूलभूत सुविधाओं के न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर और होर्डिंग्स के साथ अपना विरोध दिखाया। तो बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने मतदान बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से इनकी शिकायतों के साथ ये मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में ये मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम सब रास्ते का रोड नहीं तो वोट नहीं, इसलिए चुनाव आयोग का हम लोग बहिष्कार करते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की कि हम लोगों ने ज्ञापन, यानी तहसील दिवस के दिन हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। फिर माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वहां भी ज्ञापन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया जाता है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज चुनाव आयोग का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं। क्या मांगे हैं? यही मांगे, हमारे यहाँ रास्ता बनवा दिया जाए, हमें किसी से जातिगत किसी से कोई दिखा